एडिट में थोड़ा सी एनी एडिट दैट हैपेंस फॉर अ फिल्म हैपेंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म. आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड अदरवाइज बट व्हाट आई वाज टोल्ड कि थोड़ा इधर उधर एडिटिंग हुई है. सो आई वाज लाइक या फाइन विद इट बट व्हेन आई सॉ द फिल्म आई थॉट इट वाज फैबुलस. इट्स अ फैबुलस फिल्म जस्ट वेट एंड वॉच आउट फॉर इट. मैं नहीं देख रही हूँ सॉरी मैं यहाँ हूँ आपके साथ तो मुझे पूछना भी नहीं कुछ. इट्स टू प्री टू स्पीक अबाउट इट. वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन द स्क्रिप्ट. तो आजकल कुछ साइन करने से पहले भी बात निकल जाती है पहले. यू नो टैलेंट ऑनेस्टली मीन्स व्हाट वन्स पैशन इज ऑल अबाउट. क्योंकि ओनली जब तक उस टैलेंट के लिए आपको पैशन नहीं होगा आप उसमें एक्सेल नहीं करोगे. तो अगर आप जी जान से यू वर्क ऑन योर दैट टैलेंट विच व्हाट टुडेज शो इज ऑल अबाउट. लेट्स कम बैक टू रेलिगेयर. एगॉन रेलिगेयर इज व्हाट्स योर टैलेंट. दैट इज व्हाट टुडेज शो इज ऑल अबाउट. इट्स अबाउट पीपल्स पैशन. ऑर्डिनरली लाइक शी सेड हिडन टैलेंट सबका होता है. आप एक नॉर्मल ऑफिस में इधर उधर भागम भाग कर रहे हो बट फॉर योर रिलीज फॉर योर कम्फर्ट फॉर योर you know to keep the sanity of your mind you might just be playing the sitar or the guitar or the piano or just singing you know just to remove that little bit get that peace of mind for yourself. So that I believe whatever you do with a passion is your talent. How much importance? Importance I believe everybody has a talent. Everybody has some kind of anyone could have a talent even having one of the most beautiful handwritings which could be as good as calligraphy, you know. So it's not necessary that it has to be only singing, acting, dancing, which is mostly showcased these days. It could be just about anything. It could be just cooking up a great dish in exactly 2 minutes. So yeah, for me even that's talent. Today, Andaz Apna Apna released 21 years. It was a cult classic. It still is. We still remember. What are the memories that you probably have of it looking back? And at that time, did you think it would go on to become such a remembered film so many years later? Yes, honestly, when we were shooting for it, we were having a whale of a time. We were all very, very young. I remember Lolo and me were almost straight out of school. So it was a comedy, even on screen and off screen, because though we were all playing the best buddies in the film, but everyone was fighting with everyone, and that was the best part about it. But at that time, we did not realize. We knew that it'll be a great film because it was the era of actually double meaning dialogues and double meaning songs and that kind of comedy, you know. And suddenly there was this clean family, straight faced kind of comedy, which was intelligent comedy, which I think was a little before its time at that time. But now it's a cult film and people are recognizing its true value and we are very, very happy about it. Thank you. हाँ जी. देखिए हर एक की किसी की कोई यूनिकता होती है तो वो जब उभर के उस कॉन्फिडेंस के साथ करता है. कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है. आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं तो हर टैलेंट कंपटीशन में जब जजेस देखते हैं तो ये देखते हैं कि आप में क्या कॉन्फिडेंस है, आप किस तरीके से कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन क्या है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. थैंक यू. बिल्कुल. व्हाट आर यू डूइंग अहेड फॉर द प्रमोशन व्हेन दे विन आफ्टर दे विन? या सो टुडे वी विल रिलीज अ सीडी ऑफ द 10 वॉचमैन. व्हाट आर योर प्लानिंग फॉर? या सो व्हाट वी विल, सो दिस इज फॉर द कस्टमर्स वी हैव डन. सो वी विल सेंड दिस टू ऑल द कस्टमर्स एंड नेक्स्ट ईयर वी विल रिपीट अ सिमिलर इवेंट. सो इट विल एनकरेज मोर कस्टमर्स टू पार्टिसिपेट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. बहुत सुंदर होने वाला था अभी. हेलो हेलो गुड इवनिंग. कैसे हो अब तक? तो अच्छी थी. अब पता नहीं आप क्या हाल बनाने वाले. मैंने 22 लड़कियों को डेट किया है. मैंने उन सबको बोला एक बार येलो साड़ी पहन के आओ. उनमें से एक भी आपके जितनी खूबसूरत नहीं लगी आज तक. लेकिन फिर आपको भी अक्षय कुमार लगना चाहिए ना. एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी. रवीना दिस इज अमेजिंग. आप यहां पे आए हो. लेकिन लेकिन ये ऋषि कपूर है तो आप अच्छे हैं क्योंकि जब मैं छोटी थी तब चिंटू जी भी सबको ही बोलते हैं कि ऋषि कपूर जो थे वो मेरे सबसे बड़े क्रश थे. तो इसलिए आई थिंक यू स्टिल हैव होप इन हेल. अच्छा
अच्छा वो अलग ही जाके बात कर लेते हैं. यस 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 शी इज गोइंग टू बी द डायमंड ऑफ द इवेंट. लेडीज एंड जेंटलमैन आई गिव यू रवीना टंडन. थैंक यू सो मच. ओके ऑलराइट आई मस्ट टेल यू दिस इज एन इवेंट अ नाइट ऑफ ब्यूटी अ नाइट ऑफ टैलेंट अ नाइट ऑफ शोकेसिंग व्हाट यू हैव इनसाइड. बट इसके पहले सम नाइसिटीज मस्ट बी ऑब्जर्व. कुछ ऐसी चीजें जो करना जरूरी है एक ऐसे इवेंट को. Somebody asked me earlier when I was doing the press conference के आपके मायने में talent का मतलब क्या है? So me talent is something के आपकी जो भी passion खूबी नहीं. Because until and unless you don't have a passion for something or to do something or just something just to unwind, आप office से आ रहे हो आप थके हुए हो आप बस या तो music सुनो या आप घर आके अपना सितार बजाओ या आप थोड़ा तबला. एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट आउटलेट. चाहे आप एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें या आप थोड़ा गाएं चाहे आपकी फैमिली भाग भी जाए घर से लेकिन आप अपना गाना ना छोड़ें. तो वो पैशन एक बहुत ज़रूरी है सबकी ज़िंदगी में. इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड इवन बी कुकिंग. इट कुड बी यू नो यू लाइक स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी और आप दो मिनट में फटाफट ही कुछ हैंडकरचीफ एम्ब्रॉयडरी कर लो वो भी एक टैलेंट है अपने आप में. किसी की खूबसूरत हैंडराइटिंग होती है वो एक टैलेंट है. कोई घर बैठे बैठे डूडल्स बनाता है स्केचिंग करते हैं. एनीथिंग दैट इज योर पैशन इज योर टैलेंट एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव. तो आज मैं कहूँगी कि यहाँ पे जितने कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने अपने पैशन को अपना टैलेंट बनाया है और आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं. नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू इनकरेज देम बिकॉज व्हेन एन आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग विद माई एक्सपीरियंस आई नो the more you encourage the artist who's performing on stage the better he or she does. So are we going to give them a very good hand first of all a big round of applause and I want this round of applause to be heard after every performance because that is what you will be contributing tonight for them. So give it your best and with this I open tonight's Egon Religare 2015. What's your talent? Open. So let's hear it, guys. Thank you so much, Ravina. Thank you so much. इससे खूबसूरत opening किसी भी show की मैंने नहीं देखी है.